हेलो एवरीवन, मैं संगीत शर्मा और आज आपके साथ एक कहानी शेयर करता हूँ जो मुझे बड़ी पसंद है। और इस कहानी का मतलब मैं क्यों करना चाहता हूँ शेयर, क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसा रहता है कि हम अटक जाते हैं। हमें लगता है कि यार सब हमारी आलोचना करते हैं, सब हमारी बुराई कर रहे हैं, सब सारी तरफ से हमें मिट्टी डाली जा रही है, हमारी तरफ कीचड़ उछाला जा रहा है और होपलेस होकर हम उस काम को या जिस चीज़ के लिए हम अपना लक्ष्य बनाकर चले उसे हम छोड़ देते हैं। लेकिन एक कहानी जिसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया, मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ कि एक किसान था, उस किसान के पास एक बैल था। तो वो किसान हल जोत रहा था उसके साथ, काफ़ी साल से उसके पास वो था, उसकी उम्र भी हो चुकी थी उस बैल की। तो बैल खेत में चलता चलता एक कुएं में गिर जाता है। तो जैसे वो कुएं में गिरता है, बेचारा किसान परेशान होता है कि मेरा बैल कुएं में गिर गया। कोशिश करता है कि क्या करूं, कैसे निकालूं, लेकिन बाद में सोचता है कि चलो इसकी उम्र हो गई है, बूढ़ा हो गया था, मेरे पास निकालने का कोई साधन भी नहीं है, चलिए इसी को हम इसका भाग्य, इसकी नियति, इसकी किस्मत मान लेते हैं। और वो सोचता है कि चलो अब इसको मिट्टी डाल के मैं यहीं दफन कर देता हूँ। अपने दोस्तों को जो आसपास काम कर रहे थे और किसान, उनको बुलाता है और वो सब लोग मिलकर उसको मिट्टी डालने लगते हैं। डालते रहते बिना देखे, डालते रहते पावरे से। थोड़ी देर बाद किसान जाकर देखता है कि देखता हूँ कितना वो दब चुका है, कितना दफन हो चुका है। तो एक अजीब बात उस बैल ने की, यहाँ अपने आप को बैल की जगह रख के देखिए और जो एक किसान या उसके जो दोस्त मिट्टी डाल रहे थे, यहाँ पर उन लोगों को इमेजिन कीजिए जो आपको, जो आपकी आलोचना करते हैं, आपकी बुराइयाँ करते हैं, आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपकी तरफ मिट्टी उछालते हैं, कीचड़ उछालते हैं, इनको यहाँ पर रखिए। तो उस बैल ने क्या किया, जैसे ही मिट्टी उसकी कमर पर पड़ती थी वो अपनी कमर को हिलाता, उस मिट्टी को नीचे गिराता और उसके ऊपर पैर रख लेता। जितनी मिट्टी डलती जा रही थी उतना ही लेवल जो जमीन का था, कुएं की सतह का था, वो उसके ऊपर करता जा रहा था। किसान को बड़ी खुशी हुई कि अरे यार ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है। उन्होंने और तेजी से मिट्टी डालनी शुरू की और बैल वही काम करता रहा। पीठ पे मिट्टी डले, उसे हिलाए, नीचे गिरे, उस पर पैर रखे और देखते देखते वो जो बैल था वो कुएं से बाहर आ गया और किसान की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। तो दोस्तों, क्या अपने साथ ऐसा नहीं होता है? हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं, खासकर लीक से हटकर कुछ करते हैं, तो लोग आलोचना के रूप में, बुराई के रूप में, अफवाहों के रूप में, नीचा गिराने के लिए हमारी तरफ मिट्टी उछालते हैं। तो आज के बाद ये कहानी हमेशा याद करना कि जो भी मिट्टी आपकी तरफ आएगी, अगर आप उसे कमर पर पड़े रहने दोगे, यानी अगर वो बुराई आपके दिमाग में बैठ गई तो आप दब जाओगे। आप उसे हिलाइए, उसे अपनी फाउंडेशन बनाइए, उसे अपनी सतह बनाइए और उसके ऊपर आप निकल जाइए। इस बैल से हमें शिक्षा मिलती है। मुझे इस कहानी ने बड़ा प्रभावित किया था, तो मुझे अगर आप सबके साथ में शेयर करता हूँ तो आप भी इस कहानी को अपने जीवन में अपनाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी अच्छी लगी इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें अपने सुझाव भेजते रहिए। थैंक यू वेरी मच।